हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। साउथ हिंदी डब फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दिसंबर के इस महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। हमारे थिएटर में चलने वाली पब्लिक सर्विस एड्स आप सबने ही देखी होंगी। अगर यही एड हम ऐसी बनाएं कि लोग उसे देखना पसंद करें तो साउथ की वो फिल्में जो हिंदी डब में नहीं आती हैं और जो आती हैं उन्हें ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाते हैं और इसी वजह से आम लोग उन फिल्मों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं जिन्हें हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है। कुछ बहुत ही अच्छी फिल्में हैं, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें आप एक बार तो देख ही सकते हैं। वैसे अभी मार्क एंटोनी और टाइगर नागेश्वर राव के हिंदी डब का कोई पता नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आप सबको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं दिसंबर के महीने में रिलीज हुई 5 नई साउथ हिंदी डब फिल्म्स के बारे में। जो फिल्में पैन इंडिया में चलती हैं, उसमें ऐसे काले रंग का हीरो लोगे तो देखने कौन आएगा बोलो? शक्ल देखिए इसकी, हीरो बनेगा। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, पार्किंग। अगर आप एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो अभी दिसंबर के महीने में रिलीज हुई पार्किंग फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे तो फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर ने इस कहानी को पेश किया है उसे देखने में काफी अच्छा लगता है। जैसा कि फिल्म का टाइटल है तो इस फिल्म की कहानी एक पार्किंग के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक हस्बैंड वाइफ एक नए किराए के मकान में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर वो एक कार खरीदते हैं। अब उस कार को लेकर ईश्वर और मकान मालिक के बीच क्या कुछ होता है और आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है, वो आपको इस फिल्म में जबरदस्त ड्रामा के साथ दिखाया गया है। अच्छी फिल्म है जिसे आप अभी हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख सकते हैं। नंबर 4, जापान। जापान एक हॉस्ट कॉमेडी फिल्म है जो इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। कार्ति फिल्म के लीड रोल में है जो इस फिल्म में एक चोर की भूमिका में नजर आए थे। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अगर आप हाइस्ट फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इस फिल्म को एक बार तो देख ही सकते हैं। फिल्म की कहानी कार्ति यानी कि जापान के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ज्वेलरी की दुकान से 200 करोड़ के गहने चुरा लेता है। अब क्या पुलिस जापान को पकड़ पाती है और क्या जापान पुलिस से बच पाता है, यह हमें आगे इस फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। कार्ति की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। இல்லை சிச்சுவேஷனில் நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணோம் ஃபன் பண்ணோம். நம்பர் 3, தூமம். ஃபஹத் ஃபாசில் கி ஏ ஃபிலிம் ஜூன் கே மஹினே மே ரிலீஸ் ஹுயி தி ஜிஸே பவன் குமார் நே டைரக்ட் கியா தா। 2018 में रिलीज हुई पवन कुमार की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म यू टर्न को तो आप सबने देखा ही होगा। तो पवन कुमार एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म लेके आए हैं जिसमें हमें अविनाश की कहानी देखने को मिलती है। कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलती है जहां हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कोई अविनाश और उसकी पत्नी को मारना चाहता है। पास्ट में अविनाश के स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो दिया से मिलता है और एक बड़ी सिगरेट कंपनी में काम करता है। तो कौन है जो अविनाश को मारना चाहता है और इसका उसके पास्ट से क्या कनेक्शन है, वो आपको इस फिल्म में काफी ज्यादा सस्पेंस में दिखाया गया है। ये फिल्म बुक माई शो पर अवेलेबल है जिसे आप 39 रुपए देकर देख सकते हैं। नया फोन, नई कार, बड़ा घर, फॉरेन हॉलीडेज, इन सबका एक ही तोड़ है, गेटिंग रिच, वेरी वेरी रिच। नंबर 2, टॉबी। टॉबी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको एक दिमाग घुमा देने वाली कहानी देखने को मिलेगी। कहानी टॉबी नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जहां हम देखते हैं कि टॉबी कौन है, वो क्या करता है, वो जेल क्यों गया था और उसकी ये बेटी कौन है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा थ्रिल से भरी हुई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां हम एक ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जो गुस्सा आने पर हर किसी को मार देता है। राजवी सेट्टी की एक्टिंग, फिल्म की कहानी और उसका BGM आपको काफी अच्छा लगेगा। ये फिल्म सोनी लिप पर अवेलेबल है जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। तेरा बाप हमें कुछ करेगा तो नहीं ना? वो क्या करेगा? वो गांव वाले बोलते हैं कि किसी को भी गायब कर देता है। नंबर 1, जिगर थांडा डबल एक्स। इस साल की कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक जिगर थांडा डबल एक्स को काफी पसंद किया गया था। एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे कार्तिक सुबाराज ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक फिल्म मेकर और एक गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती है जहां हम देखते हैं कि एक फिल्म मेकर को एक गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बनानी है और वो गैंगस्टर उस फिल्म में हीरो के तौर पर काम करता है। अब कैसे एक फिल्म मेकर और एक गैंगस्टर उस फिल्म को शूट करते हैं और इस बीच इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है, वो हमें इस फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी और जबरदस्त ड्रामा के साथ दिखाया गया है। काफी अच्छी फिल्म है जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। दिस इज सिनेमा यू फूल, सिनेमा नीड्स ड्रामा यू ब्लडी फूल। सर, हां सही।
तो दोस्तों ये थी 5 नई हिंदी डब फिल्में जो अभी दिसंबर के महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई हैं। इन 5 फिल्मों में से आपने किस किस फिल्म को देखा है और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।